Yes, 7th class, exercise 1.4, question number 2. Verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. And यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, और इसमें ए बी सी की वैल्यू आपको दी गई है दोनों पार्ट्स में. तो ये वैल्यू जो है आपने इस इक्वेशन में फिट करनी है और आपने ये वेरीफाई करना है कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है. चलिए सॉल्यूशन करते हैं. हमने यहाँ पे इक्वेशन रखी, ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं. जहाँ ए है वहाँ 12 लिखना है, जहाँ बी है वहाँ -4 लिखना है, और जहाँ सी है वहाँ हमने -2 रखना है. तो 12 ए की जगह, बी की जगह हमने रखना है -4 एंड सी की जगह रखना है 2. आपने ऐसे ही फिल किया, ए 12, बी -4, ए 12 एंड सी 2. अब देखिए, हम पहले ब्रैकेट हमेशा सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसकी. तो 12 डिवाइडेड बाई -4 एंड +2, तो आपका माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर के आगे आएगा. सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, और ये नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा. उसके बाद आप इसको करिए, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, लेकिन नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. उसके बाद प्लस, ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, आंसर आएगा 6. अब देखिए, -3 है +6 है, तो हम माइनस करेंगे, 6 -3 3. 6 जो पॉजिटिव नंबर है, बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव है, तो आंसर में भी पॉजिटिव आएगा. तो अब देखिए, दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट बी, आपने इक्वेशन एज इट इज लिखनी है. उसके बाद यहाँ पे वैल्यू अलग हो गई है, ए की वैल्यू -10 है, बी की 1 है एंड सी की 1 है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, putting the value of a b and c in the equation. ठीक है, आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे. तो जहाँ a है वहाँ आपने लिखना है -10, जहाँ b है वहाँ लिखना है आपने 1, एंड जहाँ c है वहाँ भी आपने लिखना है 1. उसके बाद a यहाँ -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a की जगह क्या रखेंगे, सॉरी, हम -10 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम ऊपर से लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ठीक है, तो -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, जो कि माइनस का आएगा आपका. और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, -10 को 1 से डिवाइड करेंगे -10, देन प्लस का साइन, और -10 को 1 से डिवाइड करेंगे -10. अब देखिए, -10 ब्रैकेट के बाहर -10 आ जाएगा, -10 एंड -10 कितना आएगा, -20. ठीक है, -5 है, -20 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है.